की न्यूफिका के साथ नोकझोंक चल रही है और ऑफ स्क्रीन भी अंजलि और मायर के बीच में नोकझोंक चलती है, हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं। आई एम प्लेइंग डीजे दिग्विजय महाजन जो फ्लैम्बॉयंट है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वेल्दी है। Hi, this is Mahir Pandey and you're watching Desi Feed. आज हमारे साथ है माहिर जो एक वापस से एक अलग ही अंदाज और अलग ही शो लेके आए हैं। तो चलो जानते हैं माहिर से कि कौन सा ये नया शो है और कौन से नए किरदार के साथ आए हैं। Hi, thank you for having me firstly. I'm coming, हम लेके आ रहे हैं वंशज सोनी सब पर। 12 जून से आ रहे हैं एवरी मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे और सोनी लिफ्ट पे 24 घंटे। आई एम प्लेइंग डीजे दिग्विजय महाजन जो फ्लैम्बॉयंट है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, वेल्दी है, इन्फ्लुएंशियल है, वो सब कुछ है जो लोग बनना चाहते हैं एंड मे बी मोर। ही इज़ अ ड्रीम। वो ऐसे खानदान से आता है जो वन ऑफ द रिचेस्ट है और उसका ही इज़ अबाउट टू बिकम द नेक्स्ट यू नो सीईओ। ही इज़ सपोज्ड टू हैव द पावर। तो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, किसी से मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कुर्सी एंड ही इज़ गोना फाइट फॉर इट। ओके, सो दिग्विजय आपका नाम है लेकिन डीजे उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो कैसा लगा आपको ये शॉर्ट फॉर्म? बड़ा अच्छा लगा है, कैची है, आई होप लोगों को भी पसंद आए और याद रह जाए। डीजे सुन के आपको क्या याद आता है, यू नो हमेशा बिकॉज क्रिकेट में भी एक डीजे है, एंड क्या आपको याद आता है डीजे में? डीजे सुन के एक्चुअली मुझे रंगने बसंती याद आती है, पता नहीं क्यों। द फर्स्ट थॉट इज दैट उसमें डीजे आमिर खान का नाम था, सो वो कैरेक्टर याद आता है, बट ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है उस कैरेक्टर से। सो और साथ ही में इस शो में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए कि कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली एंड क्या था प्रोसेस पूरा इस शो में आने का? सो स्वास्तिक के साथ काफ़ी टाइम से काम करने की कोशिश हो रही थी, कुछ ना कुछ रह जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी डेट्स, कभी ये, कुछ ना कुछ मिल नहीं पाता था। फाइनली वी वर्किंग टुगेदर एंड स्वास्तिक इज वन प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ काम करने के लिए ना बहुत टाइम से इंतजार हो रहा था, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। उन्होंने पिच करा, सामने से कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, आपको पता है छोटी के बाद आई टुक अ कैब एंड आई वाज डूइंग अदर मीडियम्स, आई वाज डूइंग वेब शोज एंड फिल्म्स, एंड इस शो में कुछ ऐसा था कि मैं उससे उन सब चीज़ों को छोड़ के वापस इधर आया हूँ। तो देर इज समथिंग इन डीजे, देर इज समथिंग इन वंशज विच इज जो ऐसा कह रहा है कि यार कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसका पार्ट बनना है। ओके, एंड प्रोमो भी हमने देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यों ना काफ़ी यूनिक है, सोनी सब हमेशा ही काफ़ी यूनिक शोज लेके आता है। और इस शो में युविका आपके ऑपोजिट है, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसी आपकी बॉन्डिंग है? ऑन स्क्रीन तो बहुत ही तगड़ा, आई एम श्योर कि काफ़ी लड़ाई होने वाली आप दोनों के बीच में, सो ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की? ऑन स्क्रीन युविका के साथ नोकझोंक चल रही है और ऑफ स्क्रीन भी अंजलि और मायर के बीच में नोकझोंक चलती है, हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं। और जैसा आपने कहा सोनी सब कुछ नया लेके आ रहा है, सोनी सब हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट यू नो डिलीवरिंग अ मैसेज, कुछ नया, कुछ थॉट के साथ हमेशा कुछ अलग करते हैं और लोगों को हमेशा एक ही थॉट रहा है कि वो कॉमेडी है, अभी कॉमेडी नहीं है, ट्रांजिशन हो चुका है एंड उस ट्रांजिशन के साथ सोनी की चिड़िया हम बनेंगे वंशज होगा। Yes. और साथ ही में यू नो एक चीज़ नोटिस की है कि इसमें गीता का सार बहुत है, बिकॉज आपके जो दादाजी आई मीन जो पापा है वो भी बहुत ही बार बात करते हैं गीता के सार के बारे में। सो इन रियल लाइफ आपके लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये और आप कुछ अप्लाई करते हो इसमें से, गीता में से? जी, कहते हैं कि गीता में ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, कहते हैं गीता में वो हर चीज़ लिखी है जिसकी हमें ज़रूरत है। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पर सब बहुत सारे रिलीजियस हैं, पूजा पाठ होती है, हमारे घर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है मतलब ये हाफ रूम जितना बड़ा मंदिर घर के अंदर है। सो मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, सो ऑब्वियसली हमने बचपन से ये चीज़ें सुनी है, ऑब्वियसली गीता का सार है। डेफिनेटली हमने नोटिस भी किया है, बिकॉज कैसे इंस्टाग्राम मैंने आपका देखा, मैंने नोटिस किया काफ़ी यूनिक है फोटोज एंड हर एक टाइम पे क्वार्ट्स, यू नो फोटोज एंड क्वार्ट्स, सो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है और आप कैसे यू नो आप खुद से कैसे सोच के ये लिखते हो? कलाकार हैं, कला दिखाई भी जा सकती है, सुनाई भी जा सकती है, लिखाई में भी दिखाई जा सकती है, तो बस कला है, सार है। सो आपका नेक्स्ट क्वार्ट कौन सा रहेगा जो आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करोगे? अभी डीजे के लिए पोस्ट करते हैं You love to hate him, but you'll hate that you still love him. Okay, काफी सही था। So इसी बात पे हम wait करेंगे क्या आएगा, क्या नया और देखने मिलेगा आपके इस शो में। So lastly क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बस ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा बहुत प्यार दिया है, बहुत grateful है उसके लिए और हमारे 12 जून से और उसी प्यार को फिर से पाने के लिए और सपोर्ट के लिए
please, please do watch us and give us the love and the support. Love you all. Thank you so much.